चल आज हम पढ़ने वाले मध्य प्रदेश की मिट्टी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है इसमें, रेगुर में किस मृदा को कहा जाता है? रेगुर किस मृदा को कहा जाता है? इसका आंसर काली मृदा। रेगुर काली मृदा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा पाई जाती है? इसका आंसर काली मृदा। प्रदेश का कौन सा जिला मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? इसका आंसर मुरैना। प्रदेश का मुरैना जिला मृदा अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मृदा बालू की अधिकता होती है? इसका आंसर है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा बालू की अधिकता होती है। कछारी मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर है मुरैना भिंड ग्वालियर। कछारी मिट्टी का विस्तार मुरैना भिंड ग्वालियर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पीली मृदा का लाल रंग किस कारण होता है? इसका आंसर है लोहे के ऑक्सीकरण के कारण। लाल पीली मृदा का लाल रंग लोहे के ऑक्सीकरण के कारण होता है। बेसाल्ट चट्टान से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? इसका आंसर काली मृदा। बेसाल्ट चट्टान से काली मृदा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्षालन की प्रक्रिया से कौन सी मृदा प्रभावित होती है? इसका आंसर है लाल पीली मृदा। निक्षालन की प्रक्रिया से लाल पीली मृदा प्रभावित होती है। कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाती है? इसका आंसर काली मृदा। कपास की कृषि के लिए काली मृदा उपयुक्त मानी जाती है। किस मृदा की उर्वरक शक्ति अधिक होती है? इसका आंसर है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा की उर्वरक शक्ति अधिक होती है।